नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय त्रिपाठी परीक्षा दृष्टि चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 की। आरआरबी एनटीपीसी 2019 की अगर बात करें तो इसमें 35,000 प्लस पोस्टें आई हुई हैं। अब इन 35,000 प्लस पोस्टों में अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है हमारा, सिलेबस आप तक जो है अभी नहीं पहुँचा होगा, और इसके अलावा वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो आज अगर सिलेबस की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं रीजनिंग का सिलेबस लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो अब इस सिलेबस को हम लोग जाने, और अगर इस सिलेबस को हम लोग जान लेते हैं, इसके अलावा अगर इसके प्रश्नों की हम लोग बात करें तो प्रश्नों की संख्या कुल है 30। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन टीचर हैं जो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें मैथ की, तो मैथ हमारे पवन सर देख रहे हैं, रीजनिंग यानी मैं खुद देखूंगा। इसके अलावा जीएस की बात करूं मैं, तो हमारे जो है पुष्पेन सर देख रहे हैं, जो जीएस यानी जीए का पार्ट है पूरा। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब रीजनिंग की, अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है तो 30। और एक खास बात जान लीजिए, यहां पर माइनस मार्किंग का भी काम किया जा रहा है, यानी जो है आयोग द्वारा माइनस मार्किंग की जा रही है, वो 1/3 की माइनस मार्किंग की जा रही है। यानी आप लोग अगर बात करें तो आप लोग जो है चार प्रश्न जो है करते हैं, यानी चार प्रश्न, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप लोग एक सही किए हुए हैं और तीन गलत कर दे रहे हैं तो आपके चारों के नंबर कट जाएंगे, यानी आपका नंबर हो जाएगा 0। अब अगर बात करें इसमें प्रश्नों की संख्या, तो सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग के सेक्शन की बात कर रहा हूं तो रीजनिंग में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है या कितना आएगा जो है आपके सेक्शन में, इसमें तो 30 प्रश्न आएंगे कुल। और इन 30 प्रश्नों को हम लोग हल कैसे करेंगे, उसके लिए क्या हमारी रणनीति होगी, किस प्रकार से हम लोग उन प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। और आज का हमारा नारा क्या है कि बेरोजगारी पर सर्जिकल स्ट्राइक। तो चलिए बात करें अगर सबसे पहले चैप्टर की, तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो एनालॉजी टेस्ट है। एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता या सहसंबंध परीक्षण। इसमें क्या होता है बच्चा कि इसमें प्रश्न दिए जाते हैं, और प्रश्न देने के बाद जो है दो पेयर में प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे कहता है राम का संबंध श्याम से है, और इसी प्रकार से अगले में जो है सीता का संबंध किससे होगा, वो आपसे पूछा जाता है, और चार ऑप्शन दिए जाते हैं आपसे। तो फिर आप लोग वहां से एक ऑप्शन को टच करते हैं जो आपका सही आंसर होता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे चैप्टर की हम लोग, तो दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो कंप्लीशन ऑफ नंबर है, यानी इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो संख्याओं को पूर्ण करना। संख्याओं को पूर्ण करना यानी एक सीरीज दी जाएगी, कोई एक पार्ट वहां से सीरीज का जो है मिसिंग होगा, उसे हम लोग कैसे करें उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा टेस्ट है, यानी अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, अल्फाबेट टेस्ट है। यानी यहां पर हम लोग वर्णमाला परीक्षण करेंगे। वर्णमाला परीक्षण यानी ये हिंदी की वर्णमाला आपसे नहीं पूछी जाएगी, यहां पर आपकी जो वर्णमाला होगी वो इंग्लिश की वर्णमाला होगी, यानी इंग्लिश जो है अक्षर होंगे, जैसे ABCD जो आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। सोचिए कि बचपन से पढ़ते चले आए हैं, आज उसकी क्या जरूरत पड़ी, तो आज उसको पता चलेगा आप लोगों को कि क्या जरूरत उसकी पड़ी है आपको। चलिए इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग, जिसे कूट लेखन हम लोग बोलते हैं। यहां किसी अर्थपूर्ण शब्द को निरर्थक बना दिया जाता है, और किसी निरर्थक शब्द को अर्थपूर्ण बना दिया जाता है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे जो है, तो आगे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए तो वहां पर हम लोग देखेंगे इसको कैसे करेंगे। चलिए एक हमारा और चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। यहां गणितीय संक्रियाओं में क्या होगा कि जो है आपको एक पूरी जो है संक्रियाएं मतलब परिस्थिति दी जाएगी, जैसे कहा जाएगा जो है कि 27 + 15 = 18, इसके अलावा मतलब ऐसे दिए जाएंगे जो सिंबल रहेंगे उनको चेंज करके आपको आंसर को बताना है। इसमें आप लोग गणितीय संक्रियाएं में ये चीजें सीखेंगे जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर क्या है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक प्रश्न दिया होगा और वो प्रश्न में कुछ लिखा नहीं जाएगा, केवल और केवल चार ऑप्शन लिखे होंगे, तीन कहीं ना कहीं से संबंधित होंगे और एक कहीं ना कहीं से असंबंधित होगा, और जो संबंधित नहीं होगा उसी को हमें छांट के आंसर के रूप में बताना है। तो ये हो गया। इसके अलावा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, यहां पर मामा चाचा फूफा के जो है जो रिश्ते होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। चलिए अगला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है कि एनालिटिकल रीजनिंग यानी विश्लेषणात्मक तर्क परीक्षण। यहां पर कोई बातें कही जाएंगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में बातें करेंगे, क्या उसमें जो है
किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पे बात हमसे होगी, लेकिन जब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे तब। अगला चैप्टर क्या है हमारा, अगला चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष में क्या होगा कि एक कथन दिया गया होगा और उससे रिलेटेड दो निष्कर्ष या तीन निष्कर्ष आपको दिए गए होंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है और कौन सा निष्कर्ष असत्य है, तो अब उसमें से आपको चुनना होगा, तो इसके बारे में बात होगी जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तब। अगला चैप्टर हमारा क्या है, सिलॉग्स यानी न्याय निगमन। यहां पर आप सीखेंगे कि कुछ कुत्ते को भेड़ कैसे बनाया जाता है और कुछ सभी शेरों को कुत्ता कैसे बनाया जाता है, वो यहां पर सीखेंगे, मस्ती के साथ हम लोग सीखते चलेंगे। अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर है हमारा जंबलिंग, यानी जंबलिंग में हम लोगों को क्या करना है कि अक्षरों के समूह को व्यवस्थित करना है, यही होता है जंबलिंग। इसके अलावा जो है हमारा 12वां चैप्टर क्या है, और ये 12वां चैप्टर क्या है, तो ये 12वां चैप्टर है वेन डायग्राम। वेन जो है एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जो है उन्हीं का नाम वेन था और उन्हीं से निकल के आया एक चैप्टर वेन डायग्राम। चलिए अगला जो है हमारा चैप्टर क्या है, तो अगला चैप्टर हमारा है फजल। इसमें हम लोग पहेलियां देखेंगे कि पहेलियों को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे सुलझाया जाता है। इसके अलावा अगला चैप्टर हमारा है डाटा सफिशियंसी, यानी यहां पर हम लोग आंकड़े देखेंगे कि आंकड़े की पर्याप्तता है यानी आंकड़े कम है या ज्यादा है, इन सब बारे में बात होगी जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। अब अगला चैप्टर हमारा क्या है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। यहां पर कथन एवं कार्यवाहियों के बारे में बात होगी, यानी यहां एक कथन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस पे हम लोग कौन कौन सा एक्शन ले सकते हैं, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जो इसके सपोर्ट में जाएंगे और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जो इसके विरोध में जाएंगे। लेकिन अब इन सबको हम लोग बात करेंगे कहां पे, जब हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा तब। अब एक और चैप्टर है आपका डिसीजन मेकिंग। यहां पर क्या होगा कि हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, अपनी विवेक का जो है परीक्षण करवाना पड़ेगा, और वो जब चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे तभी होगा, इससे पहले तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा, वो क्या है, मैप्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये DI का पार्ट है, ये मैथ वाले सर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे तो हमारा जो है लास्ट वाला पार्ट है 18वां, वो इत्यादि वाला है, यानी लास्ट चैप्टर हमारा इत्यादि वाला है। इसमें कई सारे चैप्टर हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर इसके बाद जब हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे फिर जो है हमारे चैप्टर जो एडवांस वाले होंगे वो आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा इन सब चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोग चैप्टर को जो है जैसे ही कंप्लीट करेंगे वहां पर एक आपको जो है प्रश्नों के PDF दिए जाएंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर वहां से अगर दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा और कमेंट करके आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो है चैनल का व्हाट्सएप नंबर जो है सिलेबस के जब जो है आप लोगों को वो बताया गया था कि वैकेंसी क्या है कितनी है, वहां पर टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया था, तो वहां पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं और जो है जो भी समस्याएं होंगी वो आपकी सॉल्व की जाएंगी जितना संभव हो सकेगा। तो हम लोगों ने सिलेबस पर डिस्कस कर लिया है और डिस्कस करने के बाद जो है अब बात करें हम लोग की क्लासेस कब से शुरू करेंगे, तो क्लासेस आपकी मंडे से शुरू हो जाएंगे और मंडे को हम लोग पहला चैप्टर लेंगे अपना वेन डायग्राम्स, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों को कैसे डील किया जाता है वहां पर बात हम लोग करेंगे। अगर आपको आज यह वीडियो हम लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको एक बार लाइक करिएगा, फिर जो है शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।